गणेश उत्सव समिति सेक्टर 1 व सीजी मिरर्स कल्चरल ग्रुप द्वारा सेक्टर 1 सड़क 11 में पूरी भव्यता से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। संस्था द्वारा झांकी में हॉन्टेड हाउस का निर्माण किया गया है, जो इन दिनों आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। भगवान गणेश की पूजा व दर्शन लाभ लेने यहाँ श्रद्धालु हजारों की तादाद में रोजाना पहुंच रहे हैं। हर साल की तर्ज पर इस साल भी सेक्टर 1 सड़क 11 में सीजी मिरर्स कल्चरल ग्रुप व गणेश उत्सव समिति सेक्टर 1 के तत्वावधान में गणेश उत्सव को धूमधाम से मनाया जा रहा है। विशाल प्रतिमा भगवान गणेश की जहां स्थापित की गई है, वहीं हजारों श्रद्धालु रोजाना यहां पहुंचकर पूजा अर्चना कर विघ्नहर्ता भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। वहीं समिति द्वारा झांकियों में इस बार हॉन्टेड हाउस का निर्माण किया गया है। ये हॉन्टेड हाउस इन दिनों भिलाई वासियों को काफी लुभा रहा है। प्रतिदिन बच्चे, बूढ़े, युवा हजारों की संख्या में यहां पहुंचकर हॉन्टेड हाउस का लुत्फ उठाते देखे जा रहे हैं। जी हां, ये किसी हॉरर फिल्म या सीरियल का नजारा नहीं है, बल्कि हॉन्टेड हाउस का नजारा है, जो लोगों को काफी लुभा रहा है। समिति के सदस्यों ने आयोजन को लेकर इस तरह की जानकारी मीडिया के समक्ष दी है। सीजी मिरर कल्चर गणेश उत्सव समिति सेक्टर 1 की तरफ से इस बार 2500 वर्ष है इस समिति का, और लगातार समिति हर वर्ष अनेक प्रकार के कार्यक्रम उपस्थित करती है। जय भिलाई शहर के लिए इस बार भी हॉन्टेड हाउस के रूप में एक कार्यक्रम आया है, जो बहुत बढ़िया झांकी है। हॉन्टेड हाउस के रूप में समिति ने इस बार भिलाई शहर के लिए बहुत बढ़िया कार्यक्रम किया। पब्लिक 3 सालों से कोविड में लगी हुई थी, कोविड के कारण कई कार्यक्रम भिलाई शहर में नहीं हो पाए थे, उसी मनोरंजन के लिए भिलाई शहर के लिए हमने हॉन्टेड हाउस के रूप में एक झांकी प्रस्तुत की है। लोगों को कैसा प्रतिसाद मिल रहा है हॉन्टेड हाउस के लिए? लोगों को हॉन्टेड हाउस के लिए बहुत जोरदार विश्वास है, और पब्लिक दूर से आ रही है। राजनांदगांव, भिलाई और खैरागढ़, रायपुर से पब्लिक दूर दूर से आ रही, क्योंकि आपका सोशल मीडिया में जो सहयोग मिला है, मीडिया से जो सहयोग मिला है, जो प्रचार हुआ है, उसके कारण समिति के पास लोग इस ग्राउंड में दूर दूर से आ रहे हैं इस झांकी को देखने, हॉन्टेड हाउस के रूप में। जैसे आने वाले और 5 दिनों में क्या क्या आयोजन यहाँ किए जाएंगे? आने वाले 5 दिनों में विशाल भंडारा एक हमारा बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, और दूसरा चीज़ है कि पब्लिक ज़्यादा होने के कारण हम लोग कार्यक्रम नहीं कर पाते, लेकिन गणेश पूजा के बाद या उसके विसर्जन के दूसरे दिन हम लोग मतलब कवि सम्मेलन और ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम करते हैं। क्या कामना करते हैं भगवान बप्पा से? अपन हम समिति यही कामना करती है, सीजी मिरर कल्चर ग्रुप ये कामना करती है कि भगवान सुख समृद्धि बस के गजानन, और इस संसार में सारे दुख दलिद्र कष्ट सारे दूर हो जाएं, कोरोना की महामारी दूर हो जाए, और सब अपनी जगह स्वस्थ खुशहाल रहें, खुशहाल भिलाई रहे। हमारा भिलाई शहर बहुत बड़ा खुशहाल शहर है, सदा ही खुशहाल रहे और हंसता खेलता रहे। हमारा हॉन्टेड थीम बना हुआ है, ये बहुत ही बेहतरीन है, और हम लोग कई सालों से इसको करते आ रहे हैं। आज ये 2500वां वर्ष है हमारा, और इसका सबसे बड़ा मेन श्रेय हमारे धीरेन्द्र भैया को जाता है, धन्नू भैया को, जो कई सालों से लगातार इस पे हम लोगों ने भरपूर मेहनत है उनकी, जो ये आपको दिखाई दे रही है। शायद हम लोगों ने इतने साल से किए हैं, लेकिन ये इतनी भीड़ हमारे लिए ये फर्स्ट टाइम, हम लोग 25 साल से बैठा रहे हैं, पर इस बार हमको बहुत अच्छा लोगों का प्यार और उत्साह मिला है, और इसका पूरा श्रेय मैं धन्नू भैया को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से ये कार्यक्रम सफल हो पाता है। गणेश उत्सव पर प्रतिदिन नए नए आयोजन यहां पर रोजाना किए जा रहे हैं। वहीं आने वाले दिनों में भी विशाल भंडारे का आयोजन समिति के द्वारा किया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।